स्वागत है दोस्तों। आज मेरे दो कलर के हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फ्लावर्स खिले थे, तो मैंने सोचा वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए ये येलो और रेड और वाइट कॉम्बिनेशन का कितना खूबसूरत और बड़ा फ्लावर है ये, देखिए। और ये डबल पेटल में ऑरेंज कलर का है, रोज़ लाइक है। कुछ सिंगल पेटल होते हैं और कुछ रोज़ लाइक बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। ये हिबिस्कस गर्म प्रदेशों के फ्लावर्स हैं, ये परमानेंट है और आपके पास सालों साल चलने वाले हैं और एवर ग्रीन इनकी बुशेस रहती हैं। इसके कॉस्मेटिक और मेडिसिनल और हेयर ट्रीटमेंट में बहुत इसका उपयोग है, ड्राई करके भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करती हूँ, मैं इसमें देखिए आजकल जैसे फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग तो सर्दियों में भी होती रहती है, मैं इसके में एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से ग्रैनुल्स हैं, और या मैं इसमें एक एनपीके यूज़ करती हूँ, वो भी इस तरह से एक स्पून एक 1 लीटर की बॉटल में मैं डाल के और इसको फोलियर पे इसके स्प्रे करती हूँ इस तरह से, जिससे इनकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत रहती हैं और इनको ये सन से बहुत जल्दी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं, और मैं आपको फर्स्ट टाइम ही मैंने ये, मेरे बाहर बहुत बड़ा ट्री है इसका, तो मैंने इसको एक स्टेम काट के भी मैंने इसकी ये देखिए वाटर प्रोपेगेट करी है। ये इसमें 2 मंथ हो गए हैं, तो देखिए कितनी खूबसूरत इसमें प्रोपेगेशन हुई है। ये एक स्टेम थी, मैंने इसकी पूरी पत्तियां कट कर दी थी, अब ये इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां भी निकल आई हैं। इनको मैं अभी सॉइल में लगा दूँगी। तो ये इसमें आप फर्टिलाइज़र बनाना पील भी डाल सकते हैं और एप्सम सॉल्ट और एनपीके इसमें फोलियर स्प्रे करें या नीचे थोड़ी गुड़ाई करके डालें। आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही इसमें ब्रांचेस निकलेंगी और ये और मोर ब्रांचेस मोर बर्ड्स एंड मोर फ्लावर्स। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मेरा, आपको किस तरह का लगा? ये मैंने एक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र शेयर किया आपके साथ, और मैं दिखा रही हूँ आपके कैम्फिलिया के खिले हुए फ्लावर्स। देखिए कितने खूबसूरत हैं ये, डेली इसमें 3-3, 4-4 खिल रहे हैं डेली महीना भर से। और ये मैं और दिखा रही हूँ आपको फिलिपिन मेडूसा, ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें, रेड फॉक्सटेल भी कहते हैं इसको, ये देखिए ये कैटटेल, कितनी खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग है ये, और ये डेली इसमें खिल रहे हैं, मतलब खिला हुआ काफ़ी दिनों तक रहता है इसमें, कितने बड़े बड़े हैं ये। तो आपको ये मेरी हिबिस्कस के बारे में जानकारी कैसी लगी और मेरे फ्लावर्स कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।